हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकमल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल किसान आईएएस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, सिलॉक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, सब कुछ उसका थियोरेटिकल वाला पार्ट सब कुछ पढ़ लिया गया था। अब बारी आती है इसके क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो अभी मैंने बेसिकली ये 5 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अभी अभी जो क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है वो थोड़े से आसान टाइप के हैं और फिर क्वेश्चन को धीरे धीरे हार्ड करते हुए चले जाएंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चंस मैंने इस बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। देखें, आराम से बिल्कुल लगाना है, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था कुछ उसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है, ऑप्शन हमेशा आपके पास वही रहेगा। अगर ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सबके लिए ऑप्शन, जितने भी निष्कर्ष आएंगे 5 ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, पहला तथा दूसरा दोनों सही और पहला तथा दूसरा दोनों गलत, और यहाँ बात करेंगे या तो पहला या दूसरा सही। इसी इन्हीं 5 ऑप्शंस के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। ये रहे ऑप्शंस, ठीक है। पहले क्वेश्चंस को लेते हैं। सभी चाबी ताले हैं, सभी ताले पेच है, तो आप डायग्राम बना लेंगे आसानी से। सभी, ये हुआ चाबी, अंदर हुआ चाबी, सभी चाबी क्या है, ताले हैं, और सभी के सभी ताले क्या हैं, ये पेच हो गए, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। आप बता सकते हैं सभी पेच चाबी हैं, सभी पेच चाबी हैं, यहाँ से बाहर से अंदर जा रहे हैं, ये डाउट के साथ क्या हुआ, गलत लिखा हुआ। कुछ ताले चाबी हैं, कुछ लगा हुआ है, ताले चाबी, अंदर जाएंगे बाहर से, तब भी अगर कुछ लगा हुआ है तो बात सही रहती है, यानी ये सही हो गया। ऑप्शंस इसके लिए जो हो जाएंगे, देखिए पहला वाला तो गलत हो गया, डाउट के साथ गलत है या नॉर्मल गलत है वो तो गलत है ही। ये दूसरा सही, तो ऑप्शन क्या होगा, केवल और केवल, दूसरा सही यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर बात है। दूसरे क्वेश्चन देते हैं, मैं इसको मिटाता चलता हूँ, आप एक बार क्वेश्चंस को लिख लें और समझ लें बातों को, ठीक है। इसको मिटाएं पहले वाले को, अब बारी आती है दूसरे वाले की, दूसरे वाले की। तो देखें क्वेश्चन को समझे आप, पढ़ें एक बार स्टेटमेंट को, तो देखेंगे सभी हाथी शेर हैं, कुछ ऐसा डायग्राम है, सभी हाथी जो होंगे वो सारे हाथी को आप शेर बना देंगे और सभी शेर जो हैं वो बंदर हो जाएंगे, ठीक है। डायग्राम आप चेक कर सकते हैं, सभी हाथी बंदर हैं, सभी हाथी बंदर हैं, आप निष्कर्ष चेक करिए, हाथी से बंदर आ रहे हैं, सभी लगा हुआ है, क्या होगा, सही। कुछ बंदर हाथी हैं, तो बंदर हाथी ये भी क्या हो जाएगा, सही। दोनों के दोनों सही, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, क्लियर है, आंसर सी हो गया। इसको देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा, सभी कप तकियां हैं, तो आप डायग्राम कुछ ऐसे बना देंगे, ये हो जाएगा कप, ये हो जाएगा तकिया, सभी कप तकियां हैं। दूसरा, सभी पेन तकियां हैं, सभी के सभी, सॉरी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सभी कप तकियां हैं, यहाँ लिखा हुआ सभी पेन तकियां हैं, तो सभी के सभी जो पेन रहेंगे वो तकिया के अंदर आ जाएंगे, तो आप ऐसे बना सकते हैं ये, ठीक है, क्लियर होगी बातें। देखिए सभी के सभी कप जो है वो तकिया है और पेन भी तकिया के अंदर ही आएगी, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निष्कर्ष पे आए, कुछ तकिया कप हैं, देखिए कुछ तकिया जो है वो कप है, आप यहां से अंदर ही तो जा रहे हैं, तकिए से कप की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, केवल तकिया कप को देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, और लगा हुआ है सभी, देखिए यहाँ पर सॉरी कुछ लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है तो 100% बात क्या रहेगी, सही रहेगी, तो ये तो सही हो गया। कुछ पेन कप है, देखिए ये पेन है, ये कप है, अगर देखिए इस पेन को मैं यहां बनाता हूं तो अभी पेन कप नहीं हो रहा है, डायग्राम एक दूसरे को अभी टच नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा मन किया तो मैं इस पेन को ऐसे भी तो बना सकता था, ऐसे बना सकता था, तो वो तो टच कर जाएगा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ पेन कप है, तो अभी तो यहाँ पेन रहेगी, तो कुछ पेन ये वाली पेन जो कप हो जाएगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि डायग्राम वही रहे, पेन को मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, तो नहीं हो पाएगी, तो कभी होगा कभी नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये डाउट के साथ गलत हो रहा है, तो केवल पहला सही हो रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये, ठीक है, क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर चौथे को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा दें,
इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, तीसरा भी, दूसरा भी और तीसरे को भी। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं। देखें लिखा हुआ है कुछ पंखे दीवार हैं, कुछ पंखे दीवार हैं, डायग्राम आप बना लेंगे, ये पंखा, ये पंखे और इधर हो गया ये दीवार, ठीक है। कुछ पंखे दीवार हैं, सभी दीवार रेडियो हैं, सभी के सभी दीवार जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रेडियो हो जाएंगे, सभी दीवार जो हैं वो रेडियो हैं। निष्कर्ष पे आइए, कुछ पंखे रेडियो नहीं हैं, देखिए कुछ पंखे रेडियो नहीं है, ये पंखा हुआ इधर वाला और इधर वाला रेडियो। आप याद करिए जब कुछ ए बी हैं, आपको बताया गया था कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी के बारे में बात की गई थी, कुछ ए बी सही होता था, कुछ बी ए सही होता था, ठीक है। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलते थे उसमें डाउट हुआ करता था, केवल दो जगह 100% बात गलत हुआ करती थी। अब जाके कुछ ए बी है वाला वीडियो देखिएगा, इसके जो पीछे के पीछे वाला वीडियो है, मतलब एक दो वीडियो पीछे छोड़ के देखिएगा, उसमें आपको सारी चीजें बताई गई हैं। तो अगर कहेगा कुछ पंखे रेडियो नहीं है, कुछ पंखे रेडियो है, ये बात तो सही है, इधर वाले में डाउट है, तो ये डाउट के साथ क्या हो जाएगा, गलत, ये हो जाएगा डाउट के साथ गलत। दूसरा, सभी रेडियो पंखे नहीं है, सभी रेडियो पंखे नहीं है, तो देखिए रेडियो का कुछ भाग तो पंखा होगा, रेडियो का कुछ भाग पंखा होगा, ये कह रहा है सभी के सभी रेडियो पंखे नहीं है, तो ये 100% गलत है, ये डाउट के साथ गलत है, ये और 100% गलत है, इसमें कुछ आइदर वाला केस लगना नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों के दोनों गलत हो रहे हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, आइदर वाला केस नहीं लग सकता, रेडियो पंखा यहां पे है, रेडियो पंखा यहां पे, लेकिन दोनों में डाउट होना चाहिए, और तीन जो पेयर मैंने बताया था पिछली क्लास में, वो तीनों में से कोई ना कोई एक पेयर मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए कह देंगे कि दोनों के दोनों गलत है, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों गलत। ये बात रही क्वेश्चन नंबर चौथे की। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा देखिए, पांचवा देखिए आप, लिखा हुआ है कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो आप बना लेंगे डायग्राम, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा खिलाड़ी, ये हो जाएगा गायक, कुछ खिलाड़ी गायक हैं और सभी गायक लंबे हैं, लिखा हुआ है सभी के सभी गायक जो हैं वो लंबे हैं, कुछ डायग्राम ऐसा बन गया, कुछ खिलाड़ी गायक, सभी गायक लंबे होने लगे, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, देखिए ये जो कुछ खिलाड़ी हैं वो लंबे हैं, ये बात तो सही हो रही है, कुछ खिलाड़ी गायक है और सभी के सभी गायक लंबे हैं, तो कुछ खिलाड़ी लंबे सही हो गया, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सभी के सभी खिलाड़ी लंबे हैं, ये डाउट के साथ गलत हो रहा है, कुछ खिलाड़ी लंबे ये बात तो सही है, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है उसमें हम लोगों को सियोरिटी नहीं है कि वो सही है कि गलत है, इसलिए उसमें डाउट हुआ, तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, केवल पहला सही, केवल पहला सही के लिए क्या सही हो जाएगा, ये, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन है नॉर्मली जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो थोड़े से अच्छे, जैसे जैसे हम लोगों की क्लास क्वेश्चनों का ये सीरीज जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्वेश्चंस आपको कठिन कठिन मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने पांच क्वेश्चंस लिया था, पांचों में से, और ऑप्शंस में हमेशा यही रखूंगा, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, दोनों गलत और आइदर, तो अब बार बार ऑप्शंस लिखूंगा नहीं, अब पिछली क्लास में देख के ही ऑप्शन बता दिया करिएगा। तो अब मैं क्वेश्चन कुछ अच्छा लेता हूं, जैसे क्वेश्चन मैंने छठा लिया, और कम से कम ये 50 से 60 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, और उसमें छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक के, बड़े एग्जाम तक के सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लिया मैंने, स्टेटमेंट लिया, पहला कुछ टीवी पंखे हैं, कुछ टीवी पंखे हैं, दूसरा सभी पंखे रेडियो नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिया मैंने, ठीक है। और निष्कर्ष मैंने ये लिखा, निष्कर्ष पहला लिखा कि कुछ टीवी पंखे रेडियो नहीं है, रेडियो नहीं है, एक निष्कर्ष ये हुआ, और दूसरा निष्कर्ष मैंने लिखा कि कुछ रेडियो टीवी नहीं है, ठीक है। ये दो निष्कर्ष के बारे में बात हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। डायग्राम पहले बनाइएगा, डायग्राम बनाएंगे, कुछ टीवी पंखे हैं,
तो आपने बनाया कुछ ऐसा, कुछ टीवी हुआ, ये पंखे हुआ, कुछ टीवी पंखे हुआ, ठीक है। सभी पंखे रेडियो नहीं है, सभी पंखे जो हैं वो रेडियो नहीं है, यानी पंखे का पूरा भाग किससे मैच नहीं करेगा, तो वो रेडियो से मैच नहीं करने वाला है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। निष्कर्ष पे आते, लिखा हुआ है कुछ टीवी रेडियो नहीं है, कुछ टीवी रेडियो नहीं है, तो टीवी का वो भाग जो पंखे के अंदर आएगा वो रेडियो नहीं है। आपको पिछली क्लास में बताया गया था, ऐसा नोट करके लिखाया गया था कि जब छोटे से बड़े वाले की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या हुआ करता है, सही हुआ करता है कुछ नहीं के साथ, तो कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बड़े से छोटे वाले की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये डाउट के साथ क्या होगा, गलत, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है और बार बार लोग गलतियां करते आते हैं, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको मिटा दूं, एक और क्वेश्चन लेता हूं। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे चेंज हो रहा है, जैसे मैंने लिखा स्टेटमेंट, लिखा कथन, लिखा पहला कि केवल टीवी पंखे हैं, केवल टीवी पंखे हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है केवल पंखे रेडियो हैं, और तीसरा केवल रेडियो कुर्सी हैं, चेयर है, ऐसे लिखा, ठीक है। निष्कर्ष मैंने लिखा यहां पे, निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा। पहला मैंने निष्कर्ष लिखा 20% कुर्सी टीवी है, 20% कुर्सी टीवी है। दूसरा निष्कर्ष मैंने लिखा 40% पंखे कुर्सी हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहा है और अक्सर लोग इसमें भी गलतियां करते हैं, ठीक है। मैंने केवल के लिए बताया था, लिखा था वनली ए आर बी, केवल पहला सही है, इसका मतलब कि वनली के साथ केवल के साथ सभी लगा देते थे और वहां पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज कर देते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सभी पंखे क्या है, सभी पंखे टीवी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सभी, या मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूं, या देखिए ये केवल को सभी से इंटरचेंज कर देंगे तो ये पंखा यहाँ पे, टीवी यहाँ पे, इसको सभी से इंटरचेंज कर देंगे, सभी लिख देंगे, इसका मतलब ही हुआ सभी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इसको केवल को लिख देंगे सभी, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि सभी पंखे टीवी हैं, सभी रेडियो पंखे हैं, और यहाँ पे सभी कुर्सी रेडियो हैं, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, नीचे से डायग्राम अब बनना शुरू होगा, पहले कुर्सी से रेडियो की तरफ आएंगे, तो सभी कुर्सी क्या है, सभी के सभी कुर्सी रेडियो हैं, ठीक है, रेडियो है, सभी की कुछ सभी कुर्सी रेडियो है, सभी रेडियो क्या है, पंखे हैं, सभी के सभी रेडियो क्या होने लगे, तो ये पंखे होने लगे, और सभी के सभी पंखे क्या होने लगे, तो ये टीवी होने लगे। अब देखिए 20% कुर्सी टीवी है, समझिएगा बातों को, 20% टीवी कुर्सी है, यहाँ देखिए ये कुर्सी है, ये 20% ये कुर्सी की बात हो रही है और ये टीवी, सभी के सभी टीवी जो है, सभी के सभी कुर्सी जो है वो टीवी है, यानी 100% कुर्सी टीवी है, तो जब 100% कुर्सी टीवी हो जाएंगी तो 20% कुर्सी टीवी होना तो सही ही है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। लेकिन दूसरे वाले को समझे आप, तो लिखा हुआ है कि 40% पंखे कुर्सी हैं, तो यहां देखिए ये पंखा है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी छोटा सा ही है, पंखा बहुत बड़ा है, और 100% कुर्सी जो है वो पंखा हो रहा है, 100% कुर्सी पंखा हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पंखे का कितना प्रतिशत भाग कुर्सी के अंदर आएगा। जैसे मान लीजिए पंखा को मैंने इतना बड़ा बना दिया और कुर्सी केवल इतना छोटा बना दिया, तब भी तो ये जगह सभी के सभी कुर्सी पंखे हैं, अब ये नहीं कह सकते कि इसका कितना परसेंट आएगा, और
फिक्स कर रहा है 40%, यानी बात गलत कह रहा है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये डाउट के साथ क्या होने लगा, गलत होने लगा, यानी इसके लिए ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हुआ, तो क्या करेंगे, ए। लेकिन अगर मैं ऐसे चेंज कर दूँ थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन लेके चेंज कर दूँ, यहाँ लिख दूँ 40% पंखे का, 40% पंखे का कुर्सी होने की संभावना है, इसी स्टेटमेंट के लिए पहला निष्कर्ष ये, और दूसरे निष्कर्ष को देखिए, एक तो आप ये नोट कर ही चुके हैं, या मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 40% पंखे का कुर्सी होने की संभावना है, संभावना है। तो अभी क्या है कि 40% कुर्सी डाउट में है, कि 40% पंखे जो है कुर्सी है इसमें डाउट हो रहा है, और डाउट के साथ जुड़ी हुई ये संभावना, तो ये हो जाएगा सही, यानी अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही, यानी सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हम लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है, और अभी 50 से 60 क्वेश्चंस करेंगे, टोटल 50 से 60 क्वेश्चन की एक सीरीज चलेगी, जिसमें हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, वो छोटे एग्जाम से लेके और SBI PO क्लर्क वहाँ तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन को किए जाएंगे। और अच्छा, एक बात, एक सूचना है कि हम लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 26 के बाद 27, 28, 29 ये ऑफ रहेंगी। ठीक है, ये ऑफ रहेंगी। अब हम लोग मिलेंगे 30 अक्टूबर को। ठीक है, दिवाली की छुट्टी में मैं घर जा रहा हूँ, तो 2-3 दिन तो घर पे लग ही जाता है। ठीक है, आप लोग भी घर जा रहे होंगे, थोड़ा आराम करिएगा। 30 से जब आएंगे तो जैसे क्लासेस चल रही थी, अब एक्चुअली क्या हो रहा था, थोड़ा सा लेट हो जा रहा था क्लासों में, कभी वीडियो 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो ये सब सारा सिस्टम मैं 2-3 दिन में वैसे भी सही कर लूँगा। तो जब हम लोग 30 तारीख को मिलेंगे तो उसमें प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, मतलब आप 8 से 9 के बीच में आपको मैथ मिल जाया करेगा, और 9 बजे ही आपको रीजनिंग मिल जाया करेगी। ठीक है, और एक चीज़ और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि अभी इसका पेपर आने वाला है जूनियर असिस्टेंट का, तो उसके लिए रीजनिंग की एक सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जो जैसे क्वेश्चन आपको वीडियो में पूछे गए थे, जैसे क्वेश्चन आपको UP SSC के मंडी परिषद में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके उसकी एक सीरीज बना के टॉपिक वाइज उसको मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको एटलीस्ट रीजनिंग में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए आप हैप्पी दिवाली, दिवाली अच्छे से मनाएं, मिलते हैं, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।